8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मॉडल, जो हमारा 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पार्ट हमारा हार्डवेयर मॉडल होता है जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम हार्डवेयर मॉडल में। अब हम प्रोग्रामिंग मॉडल देखते हैं। जो हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल होता है ये हमारे रजिस्टर्स के साथ कंबाइन होता है। रजिस्टर्स हमारे डाटा को स्टोर करके रखते हैं, और ये जो हमारे बी सी डी ई और एच एल, ये हमारे रजिस्टर हैं जो कि हमारे टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस ड्यूरेशन में। इसको जनरल पर्पस रजिस्टर भी बोलते हैं, जो 8 बिट्स के होते हैं और ये कंबाइन में वर्क करते हैं, यानी कि बी सी 16 बिट का, डी ई 16 बिट का, इस तरह से ये कंबाइन फॉर्म में वर्क करते हैं और एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैक पॉइंटर। जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है, जो मेमोरी को पॉइंट करता है, जो हमारी रीड राइट मेमोरी को पॉइंट करता है, शो करता है मेमोरी की लोकेशन को, जिसे स्टैक बोलते हैं। बिगनिंग, जब हमारा स्टैक बिगन होता है ये हमारे 16 बिट की एड्रेस को शो करता है और उस एड्रेस को ही स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर, पीसी। प्रोग्राम काउंटर भी हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है, जो कि हमारे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है उसको पॉइंट करता है। जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट एड्रेस को शो करता है, उस एड्रेस को शो करता है जो एड्रेस हमें चाहिए होता है, यानी कि उस एड्रेस पे जाता है जिस एड्रेस पे हमने नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। और जब वो एड्रेस को हम फेच कर लेते हैं यानी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर फिर से इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है और हमारा नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम काउंटर वर्क करता है इंक्रीमेंट बाय 1 करके, हमारे एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को बताता है। और जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ये हमारा 8 बिट का स्टोरेज रजिस्टर होता है, जो कि फ्लैग्स के साथ कंबाइन होता है, फ्लैग रजिस्टर्स के साथ कंबाइन होता है, जिन्हें फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर ALU का, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स का पार्ट होता है, और ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल में करता है। और जो हमारा ये सारा प्रोग्रामिंग मॉडल है ये हमारे 8 लाइंस बाई डायरेक्शनल और 16 लाइंस यूनिट डायरेक्शन डाटा बसेस के साथ कंबाइन होता है। 8 लाइंस हमारे डाटा बसेस है और 16 लाइंस हमारे एड्रेस बसेस हैं। और हमारे जो फ्लैग्स हैं वो हमारे 5 फ्लैग्स होते हैं, जिसको हम डी नोट से D7 तक डिनोट करते हैं। इनके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर फ्लैग्स। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जो कि हमारा फ्लैग रजिस्टर का टॉपिक होगा। थैंक यू।